रसगुल्ला एक ऐसी डिश है जिसको सबको खाना पसंद है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रसगुल्ले की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे हम हलवाई जैसा घर पर आसानी से बनाकर तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन पे आधा लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध में जब तक बढ़िया सा उबाल ना आ जाए तब तक इसे अच्छी तरह से बॉयल करना है हमें। तो अभी देख सकते हैं दूध में बढ़िया सा उबाल आ चुका है। एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूध हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अभी इसको रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है नींबू का रस, तो अभी इसमें डाल देंगे गरम पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नींबू का रस लिया है और इसमें डाल देंगे 4-5 चम्मच गरम पानी। तो अभी क्या करेंगे, दूध पे डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस और अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो हमें ना एकदम से नींबू का रस नहीं डालना है, 1 चम्मच डालेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो आप नींबू के रस के जगह ना विनेगर भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो छेना है वो बनकर तैयार है। अगर आप लोगों का छेना नहीं बन रहा है तो आप लोग दूध को गर्म होने के लिए रखोगे ना तो छेना जो है वो बन जाएगा। तो दूध ठंडा होने के कारण छेना जो है वो बन नहीं पाता है। तो अभी इसको रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन। बर्तन के ऊपर इस तरह से कपड़े को रख लेंगे और अभी छेना को अलग करेंगे और इसका जो पानी है इसको अलग करेंगे। तो अभी इस तरह से अच्छे से इसका जो पानी है सारा निकाल लेंगे। तो नीचे जो पानी बचा है ना इसको फेंकना मत, आटा गूंथते समय या सब्जी वगैरह बनाते समय इस पानी का यूज़ कर सकते हैं आप। तो अभी इस पानी को रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है फिर से एक बर्तन। तो अभी क्या करेंगे, छेने पे थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे नींबू का रस का इस्तेमाल किया है ना तो खट्टापन रह सकता है। तो पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो अभी सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो अभी एक प्लेट लेंगे और सभी छेने को डाल देंगे प्लेट पे। और अभी क्या करेंगे, हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मैदा। और मैदा डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ना हथेली से अच्छे से इस तरह से मल लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को अच्छे से मल लेना है। तो इस तरह से 10-15 मिनट तक अच्छे से मल लेना है। तो जितना हम इस तरह से छेने को मलेंगे तो हमारा जो छेना है बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे छेने को लगभग 15 मिनट तक इस तरह से मला है। अभी इस तरह से डो की तरह बना लेंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे। उसके बाद इसका आधा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह से छोटे छोटे भाग कर लेंगे। और उसके बाद इस तरह से बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे। तो मैंने यहाँ पे एक बॉल बनाकर तैयार कर लिया है और देख सकते हैं कहीं भी बॉल फटा नहीं है। तो इस तरह से दूसरे बॉल्स भी बना लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बॉल्स बना लिए हैं। तो इस तरह करके सभी जो बॉल्स हैं ना इसको बना लेंगे। तो अभी चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर एक कढ़ाई को रखा है। तो अभी इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी और पानी डाल देंगे। तो पानी मैंने यहाँ पे 5 कप डाला है। तो 1 कप चीनी पे मैंने यहाँ पे 5 कप पानी डाला है। तो अभी गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और जो चीनी है ना इसको अच्छे से पिघलने देंगे। तो अभी देख सकते हैं चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो रहा है। तो इस तरह से चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो चीनी है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अभी इस तरह से अच्छे से पानी को उबालते रहना है। तो देख सकते हैं मैंने पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया है और इस तरह से पानी में बबल्स आने लगा है। तो जब पानी में बबल्स आ जाए ना तो सभी बॉल्स को डाल देंगे एक एक करके। तो मैंने सभी बॉल्स को डाल दिया है। अभी चम्मच की मदद से साइड से इस तरह से पानी को बीच में लाएंगे। तो बॉल्स को टच नहीं करेंगे, इस तरह से पानी को बीच में लाएंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो रसगुल्ला है वो चारों तरफ अच्छे से पक जाए। और गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के इस तरह से रसगुल्ले को 8 मिनट तक बिना ढक के पकाते रहना है और बीच बीच में इस तरह से चम्मच की मदद से चलाते रहना है। तो मैंने रसगुल्ले को गैस की फ्लेम को मीडियम पे रख के 8 मिनट तक अच्छे से पका लिया है।
तो अभी गैस के फ्लेम को लो करेंगे और इसे ढक्कन से ढककर रख देंगे और 5 मिनट तक इस तरह से ढककर इसे पकाएंगे। तो अभी 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो रसगुल्ला है काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, 2 मिनट तक इस तरह से गैस के फ्लेम को मीडियम पे रख के बिना ढक के पकाएंगे। तो अभी 2 मिनट हो चुका है, मैंने रसगुल्ले को अच्छे से पका ली है। अभी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारा जो रसगुल्ला है देख सकते हैं बनकर तैयार हो गया है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अभी मैंने यहाँ पे एक बोल पे निकाल लिया है, तो रसगुल्ला ठंडा हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार है। तो पानी पे तैरने से पता चलता है हमने रसगुल्ले को अच्छी तरह से पकाया है। तो मैं अभी आपको एक तौर के भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना स्पॉन्जी हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार है। तो आप भी घर पर आसानी से हलवाई स्टाइल रसगुल्ले को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।